सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहां सुबह के मुख्य समाचार। भूकंप के चलते तुर्की से आयात घटने पर हिमाचली सेब की बड़ी मांग। भूकंप के चलते तुर्की ईरान से सेब का आयात घटने के कारण हिमाचली सेब की मांग में इजाफा हुआ है। कोल्ड स्टोर में रखे सेब को इन दिनों 2,800 से 3,000 रुपये प्रति पेटी दाम मिल रहे हैं। हर साल बागवान व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर 4 से 5 लाख पेटी सेब कोल्ड स्टोर में रखते हैं। शिमला जिले के जुब्बल कोटखाई के बागी रतनाड़ी कलबोग रोहडू के शाजपुर चौपाल के मंडावग सहित अन्य क्षेत्रों के बागवान अपना सेब कोल्ड स्टोर में रखते हैं। इस साल तुर्की में भूकंप से विदेशी सेब की सप्लाई प्रभावित हुई है। ईरान से भी बीते सालों के मुकाबले कम मात्रा में सेब का आयात हो रहा है। 83% निजी भूमि को अधिकृत कर किया जाएगा गगल एयरपोर्ट का विस्तार। सामाजिक प्रभाव आकलन यानी SIA ने प्रदेश सरकार को गगल एयरपोर्ट विस्तार को लेकर किए गए सर्वे की रिपोर्ट सौंप दी है। इस दौरान SIA की ओर से गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में आने वाले 14 गांवों का सर्वे किया जाना था, लेकिन 2 गांवों के लोगों ने सर्वे का बहिष्कार किया है। इसके चलते 12 गांवों में किए गए आकलन की 230 पेज की रिपोर्ट को टीम ने प्रदेश सरकार को सौंप दिया है। वहीं इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए SIA ने 14 गांवों के प्रभावित होने वाले कुल 1,446 परिवारों में से 399 से साक्षात्कार किया है, जबकि 1,047 परिवारों का साक्षात्कार नहीं हुआ है। इसके अलावा बस वालकड़ और झिकली इच्छी के लोगों ने सर्वे में ही भाग नहीं लिया है। SIA की ओर से 399 लोगों से लिए गए साक्षात्कार में 107 लोगों ने एयरपोर्ट विस्तार को सही पाया है, जबकि 157 लोगों ने इस विस्तार को खराब बताया है। इसके अलावा 135 लोगों ने कुछ भी कहने से साफ इनकार किया है। रक्षा मंत्रालय ने देश की 44 छावनियों के लिए 211 करोड़ रुपए की ग्रांट की जारी। देश की 44 छावनियों समेत हिमाचल प्रदेश की 6 छावनियों में अब विकास कार्यों को गति मिलेगी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय की रक्षा संपदा विभाग की ओर से लगभग 211 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। रक्षा मंत्रालय के एडिशनल डायरेक्टर जनरल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इस राशि को 44 छावनियों में नए प्रस्तावित कार्य एवं बजट के अभाव से अधूरे पड़े कार्यों को पूरा किया जाएगा। इस धनराशि के खत्म होने के बाद ग्रांट इन एड की अगली राशि तब स्वीकृत की जाएगी जब रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले कमांड के GOC की ओर से जारी विकास कार्यों को पूरा करने का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस ग्रांट से छावनी क्षेत्र की सड़कें की मरम्मत प्राथमिकता के तौर पर की जाएगी। इसमें जहां सड़कों पर इंटरलॉकिंग टाइलें लगाई जाएंगी, वहीं इसमें रास्तों की मरम्मत भी की जाएगी। इसी तरह छावनी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को लेकर नए टैंकों के निर्माण, पुरानी पेयजल लाइनों को बदलना और कई विकासात्मक कार्य करवाए जाएंगे। हालांकि अभी 18 छावनियों को राशि जारी नहीं हुई है। 18 कर्मचारियों को घर दफ्तर लाने और ले जाने के लिए एक साल में ही खर्च कर दिए 95 लाख रुपए। NHPC की पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण 2 में काम करने वाले 18 कर्मचारियों के आने जाने की परिवहन सुविधा पर करोड़ों की राशि खर्च की जा रही है। एक साल में करीब 95 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। NHPC प्रबंधन ने नियमों को ताक पर रखकर अपने कर्मचारियों के लिए HRTC की 3 बसों के साथ एक बोलेरो लगा रखी है। वहीं इसकी जांच और सुविधा को बंद करने के लिए पार्वती एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यूनियन ने NHPC के निदेशकों और SEBI को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि मात्र कुछ कर्मचारियों की परिवहन सुविधा पर सालाना 95 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सीमेंट ढुलाई विवाद, बिलासपुर में 3 घंटे चली बैठक, नहीं निकला नतीजा। सीमेंट उद्योग अल्ट्राटेक प्रबंधन द्वारा कम किए गए सीमेंट ढुलाई के किराए के समाधान के लिए 3 घंटे तक चली बैठक विफल रही। इसके बाद अल्ट्राटेक में माल ढुलाई करने वाली सभी परिवहन सभाओं में खासा रोष है। ऑपरेटरों ने चेताया है कि अगर आगामी 2 दिन में उनकी मांगों को नहीं माना तो ऑपरेटर कठोर फैसला लेने को मजबूर होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन और अल्ट्राटेक प्रबंधन की होगी। यह बैठक कंपनी प्रबंधन, प्रशासन और अल्ट्राटेक समन्वय समिति के बीच हुई, लेकिन इस बैठक में ऑपरेटरों के किसी भी मुद्दे पर मोहर नहीं लगी। कारण यह रहा कि जो अधिकारी कंपनी की ओर से बैठक में पहुंचे थे, वो कोई भी फैसला लेने के लिए अधिकृत नहीं थे। बैठक में कम किए गए किराए के फैसले को वापस लेना अहम मुद्दा था। HRTC के बेड़े में जल्द शामिल होंगी 150 नई डीजल बसें, उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि HRTC के बेड़े में जल्द ही 150 नई डीजल बसें शामिल होंगी। प्रश्नकाल के दौरान पूर्व सरकार के समय हुए 350 डीजल बसों की खरीद टेंडर पर उप मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निगम की 1200 बसें जीरो बुक वैल्यू या 15 वर्ष पूरा कर चुकी हैं। परिवहन निगम 1350 करोड़ के घाटे में है। वहीं कोरोना संकट के दौरान कई बसें खड़ी रही थी, अब रूट बहाल किए जा रहे हैं। प्री व्यावसायिक कोर्स वाले स्कूलों को 1,26,00,000 रुपए का अनुदान। समग्र शिक्षा में सूबे के 845 प्री व्यावसायिक कोर्स वाले स्कूलों को 1,26,00,000 रुपए का वार्षिक अनुदान जारी किया गया है। इन स्कूलों को यह वार्षिक अनुदान शैक्षणिक सत्र 2022-23 में जारी किया गया है। बजट राशि का आवंटन 15,000 रुपये प्रति स्कूल विद्यार्थियों को गतिविधियों के लिए किया गया है। बजट राशि का प्रयोग कच्चा माल खरीदने, छात्रों की परिवहन भत्ता, यात्रा के दौरान जलपान प्रति छात्र 50 रुपये और विशेषज्ञों को 500 रुपये प्रति सत्र दिया गया है। सरकार शिक्षा पर खर्च करेगी 300 करोड़ रुपये, बजट से सुधरेगा छात्रों का भविष्य, शुरू होंगी इनडोर आउटडोर खेलें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट में शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देने के संकल्प को सिद्ध करने की राह प्रशस्त की है। इसमें मेधावी छात्रों को 10,000 टैबलेट देने की बात है। वहीं प्रारंभिक स्तर पर 17,510 नियमित शिक्षकों को भी यह टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य चरणबद्ध ढंग से सभी को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा प्रदान करते हुए एक समतामूलक एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवंत समाज का विकास करना है। इसके अतिरिक्त बजट में 762 विद्यालयों को ICT योजना के तहत डिजिटलाइज किया जाएगा। कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र में उल्लेखित गुणात्मक एवं परिमाणात्मक शिक्षा की गारंटी को मूर्त रूप प्रदान करते हुए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी राजकीय आदर्श डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव इस बजट में है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, ग्रीन सेस पर विचार नहीं, पेट्रोल डीजल पर भी नहीं लगेगा कोई उपकर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में ग्रीन सेस लगाने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर भी कोई सेस नहीं लगाया जाएगा। पिछले कल प्रश्नकाल के दौरान विधायक चैतन्य शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को वर्ष 2026 तक ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अनिरुद्ध बोले, पेंशनर्स की वित्तीय अदायगी जल्द जारी करेगी सरकार। कर्मचारियों और पेंशनर्स की लगभग 11,000 करोड़ की देनदारी है, जिसमें 5,000 करोड़ की पेंशनर्स की देनदारी है, जिसकी अदायगी सरकार शीघ्र करेगी। यह बात शिमला के कालीबाड़ी हाल में पेंशनर्स के सम्मेलन में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि कही। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल पर 75,000 करोड़ रुपये का ऋण है, जिसको खत्म करने के लिए सरकार प्रयास करेगी और लगभग 10 साल में हिमाचल को ऋण मुक्त करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। कर्मचारी और पेंशनर्स प्रदेश की रीढ़ हैं, इसलिए सरकार इनकी मांगों के प्रति गंभीर है। पेंशनर्स का डीए और एरियर काफ़ी समय से देय है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से वार्तालाप कर इसे शीघ्र जारी करने का सरकार प्रयास करेगी। शिमला के कालीबाड़ी हाल में पिछले कल पेंशनर्स द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सैकड़ों पेंशनर्स ने भाग लिया। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट, बाबा सलीम खान, पक्का काम तुरंत समाधान, हम कहते नहीं करके दिखाते हैं, इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी वशीकरण व मुठकरनी, घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिखकर लें। अभी फोन करें, मोबाइल नंबर 8860581665।